विरोध तो उन्होंने भगवा रंग ही क्यों पहनाया? विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भोंकेगा या जान करके वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई, क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।